हेलो फ्रेंड, दिस इज़ हिमांशु एंड नाउ यू आर वाचिंग टारगेट विथ हिमांशु। हम भारांग के खिलाफ स्पेशल अपील जुलाई में करने जा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में ये डाउट है कि भारांग को कम होने से सिर्फ ओबीसी वर्ग का नुकसान होगा। ये सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुपों में कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा फैला दी जाती हैं और उसके बाद हर अभ्यर्थी बिना सोचे समझे वो सभी तक फैला देता है, लेकिन हकीकत ऐसा नहीं है। हमारे पास हरियाणा हाईकोर्ट के और इसके अलावा भी कई दो तीन ऐसे आर्डर हैं जिसमें भारांग को 10 से 15 अंक तक देने की स्वीकृति दी गई है। जो हाई कोर्ट्स होते हैं वे एक उनका जो आर्डर्स होते हैं उन्हीं आर्डर्स को बेस बनाकर कोई और कोर्ट आर्डर दे देता है। तो जो राजस्थान हाई कोर्ट का आर्डर आया हुआ है डबल बेंच का, वो भी है, इसके अलावा भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर है। उस केस में जब हम उस डिसीजन को कोर्ट के सामने रखेंगे, भारांग वाले मैटर की जब अंतिम सुनवाई होगी, उस दौरान भारांग वाले मैटर को जब जब आप सुनेंगे, तो ये जो आपके पहले का केस लगा हुआ था, जो आया हुआ था डिसीजन जिसमें 10 से 15 अंक, बस उसी अंक को लाके कोर्ट के सामने रख दिया जाएगा कि सर देखिए यहाँ पे 10 से 15 अंक का भारांक है और हमारे यहाँ तो 62.5 दिया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट कर रखा कि 10 नंबर से अधिक नहीं दे सकता। तो वो कोई भी नियमावली हो, कोई भी संशोधन हो, कोर्ट उसको रद्द कर देगी और करके उसको बता देगी कि हाँ कितना दे दिया जाए। ये बाकायदा में हमारे पास एक पूरी की पूरी प्लानिंग है जिसको आप को यहाँ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसके यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इसमें केवल और केवल मेहनत करने वाले का फ़ायदा होगा, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, 62-63 के ऊपर बिल्कुल बराबर की फाइट हो जाएगी। मतलब कोई विशेष रही नहीं जाएगा और वही तो हमारा भारत का संविधान कहता है, कोई विशेष नहीं होगा वहाँ पे। आप जो 4-5% बोनस मिल जा रहा है उतना सही है, इसलिए आप लोग साथ आइए, भारांग वाले मैटर पर लड़िए। जो 80 नंबर वाला है अगर उसका 20 डाउन हो जाएगा तो वो 60 पे आ जाएगा, और 60 पर आने पर वो आपका कौन सा नुकसान करेगा, मैंने पहले भी कहा है। इसलिए इस बात को गहराई से समझिए कि भारांक मैटर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, 60-65 भी इम्पोर्टेंट है जिसको आप लागू करवाना चाहते हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा, मैं तो प्रयासरत हूँ आप कि हम भी वापस उसको लागू करवाएं, या फिर 55-60 अगर हो सकता है तो उसको लागू करवाएं। बट 60-65 को लागू करवा लेना दो जगह से क्वेश होने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, इसलिए हमें भारांग पर चोट करना बहुत ज़रूरी है। विपक्ष हमारे खिलाफ रणनीति बनाता जा रहा है, बीएड को बाहर करने के लिए भी प्लानिंग बनाई जा रही है फिर से। तो इस सारी चीज़ों को रहते हुए हम और आप धरे के धरे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें, कैसे ऐसा हो सकता है। ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम भारांग पर प्रहार करें ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बना सकें शिक्षक भर्ती के माध्यम से। जुलाई में अपील होगी भारांग में, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए हमने आपको बहुत बार बताया कि आप हमको फ़ोन पे भी कर सकते हैं। हमारा अकाउंट नंबर है फ़ोन नंबर देखिए आपके स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, ये इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इसके अलावा अकाउंट नंबर भी है, इसमें 500 फीस आप जमा कर सकते हो, 500-300 जो भी आप एफर्ट कर सकते हो, बिकॉज हमको सीनियर इंगेज करना है और उसके लिए हमने फ़ीस लगाई हुई है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि केस की स्थिति कमज़ोर पड़ जाए। उम्मीद करता हूं कि आज जब हमारे सामने बहुत बड़ी मुसीबत है, ये भारांग की सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, तो आप भारांग वाले मैटर को समझिए, सामने आइए और सभी लोग सपोर्ट करिए और बाकी लोगों को भी जोड़िए सपोर्ट करने के लिए। हमने बहुत ही कम अमाउंट लगाया है सीनियर इंगेज करने के लिए। आप मैक्सिमम शेयर करिए इस वीडियोज़ को, ये अकाउंट नंबर है और IFSC कोड भी है, 500-300 रुपीज़ आप जो एफर्ट कर सकते हो। और अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो 9044050382 पर। तो उम्मीद है कि आप भारांग पे साथ देंगे, जुलाई में अपील होगी। धन्यवाद।